दोस्तों कैसे हो। पूरे 8 ईयर तक मैंने एंड्रॉइड स्मार्टफोन का यूज किया और पिछले 2 सालों से मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ। एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जैसे ही 1 साल या 2 साल हो जाते हैं इनकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। पर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, क्या आईफोन की कैमरा की क्वालिटी भी बीतते समय के साथ में कम होती है या जैसा नया आईफोन आता है वैसी ही हमें देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि आईफोन की कैमरा क्वालिटी वैसी ही रहती है जैसा हम नया लेते हैं या फिर जैसे टाइम बीतता जाता है तो आईफोन की कैमरा क्वालिटी कम हो जाती है या हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है अपडेट्स के साथ में। इससे आपको ये भी पता चलेगा अगर आप नया आईफोन लेते हो या फिर आप फ्यूचर में आईफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, आईफोन 12 या आईफोन 13, क्या ये 2 साल बाद या 3 साल बाद इनकी कैमरा क्वालिटी भी कम होने वाली है, जब आप इतना पैसा लगाते हो क्या वो सही जगह पर लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। सो गाइस काफी मजा आएगा इस वीडियो में और एक बहुत बड़े सवाल का आपको आंसर इस वीडियो में मिलेगा आईफोन के कैमरा के बारे में। तो चलो वीडियो को फोड़ते हैं और सब्सक्राइब करके दिल से दिल को जोड़ते हैं। दोस्तों अभी हम 2 साल पुराने फोटोज और कुछ मिलते जुलते फोटोज हम आज के दिन क्लिक करने वाले हैं और उसके बाद साइड बाय साइड कंपेयर करने वाले हैं, जिससे हमें पूरा पता चल जाएगा कि 2 साल पहले कैसा था हमारा आईफोन का कैमरा और अब कैसा है हमारे आईफोन का कैमरा। फोटोज के बाद हम वीडियोज भी कंपेयर करेंगे, फुल HD, 4K, 60 FPS, 30 FPS सब कुछ करेंगे। चलो सारे फुटेज आप देखते हैं। अब हम आ चुके हैं 4K 60 FPS जो कि अल्ट्रा वाइड वाले यूज हो रहा है और अभी हम लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आईफोन के मेन वाइड कैमरा से 60 FPS के ऊपर। तो लो लाइट परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है 2 साल बाद। अभी लो लाइट अल्ट्रा वाइड वीडियो रिजल्ट भी आपके सामने है। तो गाइस यार अभी हमने सारे फोटोज और वीडियोस कंपेयर किए 2 साल पहले के आज के टाइम के साथ, तो रिजल्ट्स जो हैं वो अभी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि जो वीडियोस क्लिप और फोटोज मैंने दिखाए मे बी वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए और कुछ मजा भी नहीं आ रहा होगा। गाइस अभी मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 FPS ये सब, उससे अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस जो हमने अभी देखा अपनी आंखों से, मैंने और मेरी टीम में निखिल है, हमने काफी अच्छे से सारे फोटोज और वीडियोस को एनालाइज किया, तो उसके बाद मैं सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली बात यहाँ वो फोटोज को जो हमने कंपेयर किया तो मुझे कोई फर्क देखने को नहीं मिला, बाकी लाइटिंग कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं क्योंकि जिस टाइम हमने फोटोज क्लिक किया था उस टाइम सनलाइट अलग थी अभी अलग थी, पर फिर भी हमने बहुत सारे फोटोज देखे, मतलब लिटरली बहुत सारे, जितने फोटोज लगभग जितने भी हमारे स्मार्टफोन में और जितने मैंने अपने हार्ड ड्राइव के अंदर रखे थे सभी फोटोज मैंने पुराने देखे, मतलब जितने भी टाइम पीरियड के अंदर है वो सारे देखे और अभी के देखे। तो मेरे हिसाब से और निखिल के हिसाब से फोटोज की क्वालिटी में हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बिल्कुल ना के बराबर। तो यहां पर हमारी पहली बात क्लियर हो जाती है, आईफोन की कैमरा क्वालिटी एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तरह फोटोज के मामले में कम नहीं होती है। अब बात करें वीडियोस की, तो वीडियोस में यहां पर हमने एक बात नोटिस की, यहां पर मैं आईफोन 11 यूज कर रहा हूं तो पहले जो लो लाइट परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी, पर अभी हमें 5 या 10% हम कह सकते हैं कि थोड़ा ही हमें लो लाइट परफॉर्मेंस में डिक्रीज देखने को मिला है। और ऐसा पर्सनली मुझे इसलिए लगता है जब से iPhone 13 आया तो iPhone 11 और 12 दोनों में ये चीज देखने को मिली है क्योंकि iPhone 13 के कैमरा के लेंस का सेंसर साइज बड़ा है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ी लाइट को भी इंक्रीज किया है एप्पल ने। तो यहाँ पर 11 और 12 में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि एग्जैक्ट जो नया लॉन्च हुआ था उस टाइम वाली लो लाइट परफॉर्मेंस हमें कैमरा की वीडियोग्राफी के टाइम देखने को नहीं मिल रही है, बस इसके अलावा हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो सीधी सी बात ये है अगर आप iPhone लेते हो या आपके पास iPhone है तो आपके iPhone की कैमरा क्वालिटी एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तरह कम होने वाली नहीं है। मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड फोन यूज किए हैं, 8 साल तक मैं एंड्रॉइड फोन यूज किए हैं, तरह तरह के फोन यूज किए हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन था मेरा सोनी एक्सपीरिया G3, बहुत तगड़ा था उस टाइम में, 20 MP कैमरा बहुत बड़ी बात होती थी, तो वो मैंने यूज किया है, पर उसकी भी कुछ टाइम बाद कैमरा क्लियरिटी कम हो गई थी जैसे कि एंड्रॉइड में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आईफोन वालों खुश हो जाओ, आईफोन में हमें इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, तो ये एक अच्छी बात है आईफोन को लेकर। इतना पैसे लेते हैं तो वैल्यू फॉर मनी है, कैमरा
क्वालिटी वैसी देखने को मिलती है, और बाकी अलग बात है थोड़ी बहुत केयर करना पड़ती है, खुद से स्क्रैचेस वगैरह डालोगे तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई। तो चलो गाइस यही थे हमारी आज की वीडियो। अब आपका एक काम है, प्यार से ठोको या फिर जैसे मर्जी ठोको, हथौड़ी लेके ठोको, क्या ठोकना है, सब्सक्राइब बटन ठोकना है और टेक ऑन ट्रेंड फैमिली को ज्वाइन कर लो। और मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अपन रहता है हिमाचल में और हिमाचल के आपके लिए मस्त मस्त डेली लाइफ के ब्लॉग्स डेली बनाता हूं भाई आपके लिए, और प्यार आपके साथ दिल से दिल तक का है, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपके साथ किसी और फैंटास्टिक वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।